हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैजान आलम है। मेरा रैंक 1 आया है जनरल कैटेगरी में। एंड स्पेशल थैंक्स टू नवाब सर एंड ऑल द टीम ऑफ ह्यूमन क्लासेस एंड माय फैमिली। तो मेरा सफ़र शुरू हुआ था तकरीबन 4 से 5 महीने पहले। मैंने इमेज क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं रोज़ डेली क्लासेस करता था और डेली क्लासेस के जो मैं नोट्स बनाता था उनको मैं रोज़ याद करता था, क्योंकि रोज़ DPT आता है। जो नोट्स पढ़ाए हुए हैं उनका DPT टेस्ट होता है। तो जो नोट्स मैं रोज़ याद करता था, मैंने सुना है कि वो ज़्यादा चांसेस है कि जो नोट्स मैं डेली याद करता हूँ वो ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ, मैंने रोज़ DPT दी थी तो उससे मेरा ये स्ट्रॉन्ग हुआ। और इतने सारे सीरीज़ आए हमें हमारे इमेज क्लासेस में, रैंक बूस्टर सीरीज़, करो मरो सीरीज़, शॉर्ट सेट सेलेक्शन सीरीज़, और भी सीरीज़ आए हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो करो मरो सीरीज़ में हम लोग डेली 700 to 800 क्वेश्चंस करते थे। अब आप भी समझ सकते हैं, अगर डेली कोई बच्चा 700 से 800 क्वेश्चंस करता है तो उसका MU6 एंट्रेंस में 80 क्वेश्चन नहीं टकराएगा। मेरे मार्क्स 81 आए थे। मैंने जब MU का एंट्रेंस दे रहा था, मैंने जब पेपर खोला, मैं तो देख के हैरान हो गया था, क्योंकि ऑल टू ऑल इमेज क्लासेस से क्वेश्चन आए थे। क्योंकि आप उनका सेशन देख सकते हैं, जो डिस्कशन हुआ था MU6 एंट्रेंस का, सब उन लोगों ने दिखाया था कि ये हमारे इस बैच से है, इस सेक्शन से है, तो वो उन लोगों ने दिखाया था। और मेरा 81 मार्क्स आ रहा था, तो 79 तो पूरे इमेज क्लासेस से थे, इसलिए मैंने दे दिया, 2 मैंने तुक्का मारा था। तो वंस अगेन अ स्पेशल थैंक्स टू नवाब सर एंड ऑल द टीम्स ऑफ इमेज क्लासेस। थैंक यू फॉर गेटिंग रैंक 1 फॉर मी। थैंक यू सर।